नमस्कार किसान भाई, स्वागत करता हूँ आपका अपनी YouTube चैनल यंग फार्मर में। किसान भाइयों, सोयाबीन में फलियाँ बन रही हैं और जो लेट वेराइटी है उनमें फूल से करे उतर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारी सोयाबीन में फलियाँ बन चुकी हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि फलियाँ बनते टाइम हम किस फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें जिससे कि हमारा जो दाना है वो बोल्ड बन जाए और दाने की चमक भी अच्छी रहे। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, ये देख सकते हैं, ये है JS 9560 सोयाबीन और ये 60 दिनों की हो चुकी है। इसमें फलियाँ बन गई हैं, इसमें दाना भरने लग गया है। और अब हम इसमें ये जानते हैं कि इसमें किसका स्प्रे हम करें जिससे कि इसका दाना बोल्ड हो जाए। किसान भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी फर्टिलाइज़र, किसी भी टॉनिक वगैरह का आप स्प्रे करना चाहते हैं तो पहले यह देख लें कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। अभी हम देख रहे हैं कि बारिश नहीं हुई है बहुत दिनों से। अगर आप इसमें स्प्रे कर देंगे किसी भी फर्टिलाइज़र का या टॉनिक का, तो उससे उत्पादन घट सकता है और सोयाबीन पर उल्टा प्रभाव इसका पड़ सकता है। फ़ायदा हमको नहीं दिखेगा इससे, क्योंकि कोई सा भी फर्टिलाइज़र होता है अगर हम उसका स्प्रे करते हैं तो उससे सोयाबीन पर असर तभी पड़ेगा जब खेत में नमी पर्याप्त होगी। तो किसान भाइयों, अगर नमी है तो ही आप इसका स्प्रे करें, वरना ना करें। और किसी महंगे टॉनिक वगैरह इनके चक्कर में ना उलझें। मैं आपको एक बता रहा हूँ, उसका आप स्प्रे अगर चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप अभी इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो आप उसमें मिक्स करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ NPK 0050। हाँ, वो जो है 120 या 150 रुपये का समथिंग आता है। अगर आप उसका स्प्रे इसमें करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका देखने को मिलेगा। तो उसका यूज़ किस तरह करना है, तो जो हमारा 20 लीटर वाला पंप रहता है, वो जो 1 किलो का पैकेट आता है NPK 0050, जो वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील लिक्विड शायद, मुझे पता नहीं उसका, तो आप वो लेकर के आ जाइए। और एक पंप में आप उसको 50 ग्राम डाल लीजिए, यानी कि 1 किलो वाले पैकेट से आप इसके 20 पंप की दवाई बना सकते हैं। तो आप उसका स्प्रे कर दें और आप देखेंगे कि आपके सोयाबीन की चमक भी बड़ी हुई रहेगी जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी। उसका दाना भी काफ़ी बोल्ड रहेगा। अगर आप मतलब इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता और काफ़ी अच्छा असरदार ये है। हमने इस बार इसका स्प्रे किया है और मैं आखिरी में आपको दिखाऊंगा कैसा क्या इसका उत्पादन रहता है। और बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल भी रहता है कि सोयाबीन में फ्लड इरिगेशन से पानी दें या ना दें। तो किसान भाइयों, ऐसा रहता है कि अगर बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई है और गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो आप फ्लड इरिगेशन से पानी ना दें, उससे सोयाबीन पर उल्टा असर पड़ेगा, सोयाबीन पीली पड़ने लग जाएगी, उसकी जड़ गल जाएगी। अगर आपके पास रेन गन है, स्प्रिंकलर है, तो आप उससे थोड़ी नमी बना सकते हैं खेत में। हाँ, अगर मौसम ठंडा है, गर्मी नहीं पड़ रही है, ज़्यादा सूरज नहीं निकल रहा है, तो आप इसमें फ्लड इरिगेशन से पानी दे सकते हैं। क्योंकि हमने अभी पानी का गैप काफ़ी उगाया था तो हमने इसमें सोयाबीन में फ्लड इरिगेशन से पानी दिया जब इसमें फूल सारे करे उतर रहे थे, और किसी भी तरह का कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव हमको इसका देखने को नहीं मिला और बढ़िया दाने भर रहे हैं इसमें सोयाबीन में। तो आप इस जो मैंने बताया उसके बाद का ध्यान रखें और आप इसका NPK का स्प्रे ज़रूर करके देखें। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो एक खेत में इसका स्प्रे कर दें, एक खेत में ना करें, और दोनों की हार्वेस्टिंग देखें करवाते टाइम कौन सी सोयाबीन पर चमक ज़्यादा है। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और कोई सा टॉनिक वगैरह का भी स्प्रे करते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। पर मेरा मानना है कि NPK 0050 से बढ़िया आखिरी के समय में सोयाबीन के लिए कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसका स्प्रे करने की मैं आपको विशेष सलाह दूंगा। और ये ज़्यादा लंबी वेराइटी भी नहीं है, 80 से 85 दिनों की वेराइटी है ये। लंबी वेराइटी में भी आप किसी भी सोयाबीन में, आप इसका कोई सी भी फसल हो इसमें आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, मूंगफली वगैरह में, ताकि अगर आपकी सोयाबीन में दाना छोटा बन रहा है तो उससे दाना बोल्ड हो जाएगा। कोई सी सोयाबीन में फलियाँ कम लगी है तो उसमें दाना बोल्ड हो जाएगा। तो इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं और इसका कीमत भी ज़्यादा नहीं है। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। खेती किसानी की ऐसी नई नई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।